बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान जल्द ही अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा के साथ अपने चाहने वालों का एंटरटेनमेंट करने के लिए बड़े पर्दे पर आने वाले हैं। लेकिन इस वक्त उनकी इस फिल्म से ज्यादा चर्चा है रिलेशनशिप की। चर्चा है कि आमिर किरण राव से तलाक के बाद जल्द ही तीसरी शादी करने जा रहे हैं। इस वक्त नेटिजन्स इस गॉसिप में बिजी है कि आखिर आमिर अपनी तीसरी शादी की अनाउंसमेंट कब करने जा रहे हैं, कब करेंगे आमिर की शादी की अनाउंसमेंट और कौन है वो लड़की जिसे लेकर उनकी शादी की चर्चा हो रही है, जानेंगे सब इस रिपोर्ट में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। इस साल अगस्त महीने में आमिर ने अपनी दूसरी पत्नी किरण राव से तलाक लेकर सभी को चौंका दिया था। कपल ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में ऐलान किया था कि अब वो अपनी जिंदगी अलग अलग जीने वाले हैं। हालांकि बेटे आजाद की परवरिश किरण और आमिर साथ में ही करेंगे, लेकिन तलाक के कुछ महीनों के बाद ही अब नेटिजन्स न केवल आमिर खान की तीसरी शादी पर चर्चा करने में बिजी है बल्कि इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि वो कब इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा के मुताबिक आमिर लाल सिंह चड्ढा के ठीक बाद शादी की अनाउंसमेंट करेंगे। खबरों की माने तो ऐसा इसीलिए क्योंकि आमिर नहीं चाहते कि उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। यही नहीं, खबरें तो यहां तक है कि आमिर अपनी पिछली फिल्मों की किसी को स्टार से शादी कर सकते हैं। बता दें, इन खबरों में दंगल गर्ल यानी कि फातिमा सना शेख का नाम सामने आ रहा है। दंगल के बाद ये जोड़ी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में भी नजर आई थी। दोनों के बीच काफी अच्छा बॉन्ड भी देखने को मिलता है। यही नहीं, आमिर के तलाक के बाद सोशल मीडिया पर फातिमा को काफी ट्रोल भी किया गया था और उन्हें आमिर के तलाक का जिम्मेदार भी ठहराया जा रहा था। हम आपको बता दें, आमिर के तलाक के बाद फातिमा सना शेख ट्विटर पर ट्रेंड भी करने लगी थी। बता दें कि फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के समय आमिर खान का नाम फातिमा सना शेख के साथ जोड़ा गया था। तब फातिमा ने इन अफवाहों को खारिज करते हुए कहा था कि उन्हें झूठी खबरों से अनजान लोगों की सोच से फर्क नहीं पड़ता। फातिमा ने कहा, मुझे पहले इन बातों से फर्क पड़ता था लेकिन अब अनजान लोग मुझे बिना जाने मेरे बारे में लिखते हैं और पढ़ने वाले सोचते हैं कि मैं अच्छी इंसान नहीं हूं। उन्हें नहीं पता कि सच क्या है। मैंने इन बातों को नजरअंदाज करना सीख लिया है। मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे बारे में गलत चीजें सोचें, इसलिए मुझे कभी कभी फर्क भी पड़ता है। बता दें कि आमिर और किरण राव की मुलाकात फिल्म लगान के सेट पर हुई थी। किरण फिल्म लगान में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रही थी। दोनों को प्यार हुआ और दोनों ने 28 दिसंबर 2005 को शादी कर ली। 2011 में सरोगेसी की मदद से दोनों ने बेटे आजाद का स्वागत किया। किरण से पहले आमिर खान ने रीना दत्ता से शादी की थी। हालांकि माना जाता है कि किरण के प्यार में पड़ने के बाद उन्होंने रीना दत्ता से अपनी शादी को खत्म करने का फैसला किया था। रीना दत्ता के साथ आमिर खान के दो बच्चे आयरा खान और जुनेद खान भी मौजूद हैं। हम आपको बता दें, अब देखने वाली खबर ये होगी, देखने वाली बात जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये होगी कि जब पता चलेगा कि आखिर क्या सच में आमिर खान फातिमा सना शेख के साथ शादी करने जा रहे हैं। लेकिन ये तो समय ही बताएगा, ये तो आने वाला वक्त ही पता चल पाएगा। तभी हम लोग आपको भी और भी नई चीज़ों के बारे में अपडेट करते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ तक के साथ और जानते रहिए अपने फेवरेट सितारों के बारे में। और इसी के साथ और भी देश विदेश से जो बड़ी खबरें आ रही हैं वो हम लगातार आपको देते रहेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म न्यूज़ तक के जरिए।